करण और अर्जुन वापस आ रहे हैं। जो अधूरा रह गया था अब वो पूरा होगा। तूफान फिर से उठेगा और इस बार इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या आने वाला है करण अर्जुन का दूसरा पार्ट? सलमान खान बोले, राखी जी ने कहीं कहा था। बॉलीवुड में ऐसा बहुत कम मौकों पर हुआ है जब शाहरुख खान और सलमान खान ने एक साथ काम किया हो, लेकिन जब जब ऐसा हुआ तब तब बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा गया है। इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार को स्क्रीन शेयर करते हुए देखने का एक मौका फैंस को तब साल 1995 में मिला था जब उनकी फिल्म करण अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। फिल्म में राखी गुलजार ने शाहरुख, सलमान की मां का किरदार निभाया था और दिवंगत एक्टर अम्बरीश पुरी निगेटिव रोल में नजर आए थे। फिल्म करण अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फैंस इसके बाद लंबे वक्त शाहरुख खान और सलमान खान को पर्दे पर साथ में देखने के आस लगाए रहे। कुछ मौके पर आए जब फैंस को दोनों को साथ में देखने का मौका मिला, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो करण अर्जुन में उन्हें देख पाए थे। अब फाइनली फैंस फिर एक बार शाहरुख खान और सलमान खान को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देख पाएंगे, क्योंकि साल 1995 में आई ये सुपरहिट फिल्म फिर एक बार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सुपरस्टार सलमान खान ने फैंस को अपने एक्स हैंडल के जरिए ये गुड न्यूज देते हुए लिखा, राखी जी ने सही कहा था फिल्म में कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। 22 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में 4 से 6 करोड़ के बीच लगत आई थी और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। सलमान खान की इस फिल्म को री रिलीज किए जाने की खबर फैंस को सुपर एक्साइटेड कर गई है। कमेंट्स बॉक्स में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पेज ने तो इस फिल्म के नए पार्ट का पोस्टर भी AI से बनाकर पोस्ट कर दिया है। बता दें कि हाल ही में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मेकर्स ने किसी पुरानी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया और इसके कुछ ही दिन बाद इसके अगले पार्ट का अनाउंसमेंट कर दिया। तंबर के मामले में ऐसा हुआ था और गदर 2 रिलीज से पहले भी मेकर्स ने गदर का पहला पार्ट रिलीज किया था, लेकिन क्या फैंस को करण अर्जुन के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।